हे व्हाट्सअप, तो की हालचाल, राम राम, सतिका, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के जन शब्बू गेमर पर। तो कैसे हो भाई लोग, आ चुका आपका भाई एक न्यू ब्रांड वीडियो लेकर। तो यार बहुत सारे बंदों के लाइव स्ट्रीम पे कमेंट आए और कुछ के कमेंट मतलब नॉर्मल भी आ रहे थे यार भाई, मतलब वीडियोस पर। तो भाई यार प्लस नहीं हो रहा भाई, टॉप 10 नहीं हो रहा यार। टॉप 10 का कोई ऐसा वीडियो लाओ यार कि मतलब हम जोन के पार सर्वाइव करके यार कम से कम थोड़ा सा प्लस कर ले। तो भाई पहले तो अपना ये गेम प्ले देखो, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि आपको देखना जरूरी है। तो यार यहाँ पर मैं मर जाता हूँ, यानी अपना फर्स्ट रिकॉल खत्म हो जाता है। तो यहाँ से होता है मेरा मेन गेम प्ले स्टार्ट। अब मैं यही बोलूँगा कि भाई देखो, जोन में आप जा नहीं सकते क्योंकि पिल जाते हो, सेंटर आप उतर नहीं सकते, और मेरा रैंकिंग है भाई टॉप रैंकिंग चल रहा। तो भाई मैं प्रिपेयर करता हूँ जोन के बाहर ही, क्योंकि देखो भाई जोन के अंदर जाऊँगा अगर मैं टॉप 10 पे या 12 15 पे भी मरता हूँ तो मेरे को प्लस मिलेगा 2+3+, यानी आधा घंटा सर्वाइव करने के बाद मेरे को प्लस मिलता है 2-3+। और मेरे को भाई अगर मैं 5 या 6 किल करके टॉप 10 करता हूँ तो मेरे को प्लस मैक्सिमम प्लस मिलता है 14+, हाईएस्ट 14 या 12 14 ऐसा ही चल रहा है, बिकॉज आपके भाई की रैंक चल रही है 3। तो यार जिसको पेड बूस्ट वगैरह करवाना हो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकता है, हम उनकी आईडी पे पेड बूस्ट कर देंगे और लाइव पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आज के चीज़ की ओर बात करते हैं यार भाई, क्राउन पे या माइनस, मतलब माइनस ना लगे, माइनस कैसे अवॉइड करें और प्लस ही कैसे करें, मतलब प्लस ही होना चाहिए। और अभी आप जाके देखोगे रिसेंटली मेरे वीडियो पे, मतलब मेरी आईडी पर कंटिन्यू प्लस ही निकलते, माइनस का तो वो है ही नहीं कि भाई माइनस लग रहे। तो भाई कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखो हमेशा ट्राई करो कि भाई जब आपका हो, मतलब आपका फर्स्ट रिकॉल हो जाए समाप्त, यानी आप या तो फर्स्ट रिकॉल पे उतरो ही मत अगर आपका डिवाइस अच्छा नहीं है। अगर उतरो तो भाई जोन से इतना दूर चले जाओ, यानी जो सर्किल बने मैन सर्किल उससे कम आप 1500 मीटर दूर होने चाहिए। तो भाई मैं सर्किल से कम थोड़ा बहुत दूर था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ऐसी जगह था कि सुनसान जगह जहाँ पे 1 से 2 घर हो, जहाँ पे ज़्यादा घर ना, मल्टीपल घर ना हो। तो हमेशा वो प्रिपेयर करना है। प्लस भाई आपके पास है ना जो लूट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्राउन पे प्लस कैसे करने का, या आप बोल सकते हो एस पे, यानी जिसकी रैंक चल रही है भाई 2000 से अंदर या 3000 से अंदर चल रही है, जो बंदे लगभग एस कर चुके हैं, एस के बाद प्लस कैसे करें। देखो प्लस करने का सिंपल फंडा है, आपको होल्ड ड्रॉप वाला सीन तो करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सर्वाइव कर लिया, रिकॉल हो गए, रिटर्न आकर सीधा आप जाके सेंटर उतर मत करो, क्योंकि सेंटर उतरोगे 90% चांस से आप मर जाओगे। कितना? 90% चांस से आप मर जाओगे, और 10% चांस से आपका लक काम किया, आपका सब कुछ सीन सही रहा तो आपका बच जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक बोट किल लगा दे तो आराम से प्यार से मैं बोट किल वगैरह कर लेता हूँ, एंड देन वो सीन ही अलग रहता है। तो देखो 4 किल यहाँ पे हो जाते हैं, और भाई मैं अभी भी, मेरे को पता है कि अगर मैं सेंटर में चला गया और मर गया तो माइनस ही है, क्योंकि भाई मैंने मॉर्निंग में भाई सच बताऊँ ना 9 किल किए थे और मैं जाके आस पास रहा था और मर गया था, ठीक है। एक करने मार दिया था मेरे को टॉप 30 पे, 9 किल के साथ टॉप 30 पे मारा, साला 0+ मिला। अब कम से कम यार 1+ भी दे देता तो भाई मेरे को अच्छा लगता, बट यार पहले गेम में भाई ऐसा होता ना, हैकर मार के चला जाए सब तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई हर गेम में हैकर है, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ भाई, कम से कम 40 बैंडेज, कितनी 40 बैंडेज आपके बैग में होनी चाहिए। देखो सर्वाइव करते करते मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और जोन के पास सर्वाइव कर रहा हूँ, बंदे बचे 28 बंदे, अभी भी बंदे बहुत है भाई, अगर मर गया तो पिल जाऊँगा। 40 बैंडेज कम से कम मिनिमम, और कम से कम आपके पास होनी चाहिए 6 हेल्थ किट। आप बोलेंगे भाई 40 हेल्थ किट, मतलब सॉरी 40 बैंडेज और 6 हेल्थ किट क्यों? अब उसकी वजह बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले फिर मैं आके चेक वेक करता हूँ कि भाई थोड़ा साउंड लेने का ट्राई करता हूँ कि भाई बंदे बंदे तो नहीं है, और सर्किल देख लो भाई पूरा ओपन। और मैं जाता हूँ डेथ सर्किल होता है ना, डेथ सर्किल जहाँ पे आपकी आप हेल्थ किट मारना स्टार्ट कर देते हो या मरना स्टार्ट हो जाते, उस सर्किल में मैं क्या करता हूँ बताएं, मैं अपनी जो 40 बैंडेज है ना वो यूज़ करता हूँ। तो उसका भी एक ट्रिक, एक तरीका है, आप जोन से 150 मीटर दूर रहो, ब्लू जोन से 150 मीटर दूर आप रहोगे तो चलेगा। अब देखो यहाँ पे आके मेरे पहले घर अच्छा सा देखता हूँ, राइट में फायर हो रहा था तो वहाँ पे बंदा वगैरह था, तो मैं उसको देखता हूँ पहले, यहाँ पे चेक करता बंदा बंदा तो नहीं है। यहाँ पर आकर लगभग मेरे पे 5 से 6 हेल्थ किट आप देख रहे हो बैग में पड़ी है,
तो फिर भी मैं वही यहाँ पे हीलिंग वगैरह करने का ट्राई करता हूँ। एंड देखो पूरा सर्किल ऑन पड़ा है, और तो भाई अभी सेंटर में जाना और बग्गी घुमाना बेकार चीज़ है। और जब लगे ना डेथ सर्किल स्टार्ट हो गया, तब आपके पास एक व्हीकल होनी चाहिए। व्हीकल का फायदा ये रहता है कि भाई लास्ट में बूमबा मचाते हुए ना बग्गी लेके घुमाओ, या वो जो UFO हो ना वो घुमाओ। अब UFO का फायदा है उसको फ्रंट साइड कोई मार नहीं सकता। यहाँ पे देख लेता हूँ भाई नेट थोड़ा स्विच करके, क्योंकि नेट का इश्यू हो रहा था तो स्विच करके अब चलता, क्योंकि अब है मेन गेम। अब मेन गेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई 15 बंदे बचे, अभी तक अपना टॉप 10 हुआ नहीं है। निकालना अपना वीडियो का आज का काम ही था ना टॉप 10, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर्वाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामने बंदे की फाइट हो रही हो, आपको बिल्कुल भी ओपन में जाकर फाइट लेना ही नहीं है। अगर ओपन में जाके आपने सोचा कि भाई मैं फाइट लूँ इसके चक्कर में मर जाओगे, आपको मेरे को बताना ओपन में जाके कितनी बार मरते हो। मैं तो बहुत बार मरता हूँ भाई, सीरियसली किल का भूखा हूँ मैं, इसके चक्कर में मर जाता हूँ। बट मैं अभी बहुत अवॉइड करता हूँ किल, बिकॉज यार किल स्टार्टिंग में मैं निकाल लेता हूँ, तो एक आधा किल लास्ट में मिल जाए एक दो किल तो अभी मेरे लिए इनफ रहता है। अब मैं बग्गी लेकर घुमाता हूँ रोटेशन, ये हमेशा जब ये जोन स्टार्ट होता है ना तब हमेशा रोटेशन लिया करो। गाड़ी होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन में मत रहना क्योंकि लेटर हो गया ना कोई भी फेल देगा। आप देखो सेक में एक बंदा था और सामने भाई DP वाले और अलग अलग गन्ने फायर हो रही थी, और 15 बंदे भाई पूरा ओपन सर्किल पड़ा है और पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ भाई घर की ओर जाता हूँ, ठीक है। जो आगे घर है ना बीच में वहाँ पे भी बंदों की फाइट चली, तो वहाँ पे भी जाना कैंसिल होता है। फिर देखो यहाँ पे पत्थर दिखता है कि भाई यहाँ पे कोई है नहीं, और कवर भी अच्छा खासा है। तो भाई यहाँ पे जब रुकता हूँ तो पीछे एक बंदा आ जाता है, और सामने भाई देखता हूँ तो सामने भी सेक पे गाड़ी लगी हुई। अब तो भाई मेरी फटती है, तो स्मोक है ज़रूरी भाई, हमेशा कम से कम 5 से 6 स्मोक इसलिए कैरी किया करो कभी भी ओपन सर्किल बन जाए तो आप भाई एक स्मोक चलता 20 सेकेंड। अगर आपके बैग में कम से कम 3 स्मोक हुए, वैसे तो मैं 5 रिकमेंडेड करता हूँ, अगर 3 इसको स्मोक हुए तो भाई अपने आप पे डालोगे ना तो आराम से 1.5 मिनट आपका वहीं निकल जाएगा, और नॉर्मल प्लेयर मार नहीं पाएगा। हैकर हो तो बात अलग है भाई, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते यार, वो गेम वालों की गलती है। तो भाई यहाँ पे आके मैं निकलता हूँ और यहाँ पे रुकने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे भाई बंदा ऑलरेडी बाहर। अब मैं रुकूंगा तो पता मर ही जाऊँगा, किल करना मुश्किल है क्योंकि उस पर मौका इसलिए ईजी है कि भाई वो बाहर था और मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो अब देखना यहाँ पे क्या होता है कोइंसिडेंस। यहाँ पे देखो भाई UFO वाला बंदा उतरता और मैं गाड़ी ठोकता आपका भाई, और भाई उजी से फेल देता। अच्छा खेल रहा था बंदा यार भाई, मानना पड़ेगा, और इसी के चक्कर में मरता हूँ। देखना 1 HP था और बंदे को बहुत एंगल मिल गया अच्छा खासा, बोला यार इसके चक्कर में मर गए क्योंकि यार हेल्थ ही नहीं थी। अगर हेल्थ होती तो क्या लगता है हेल्थ होती मैं उसको मार पाता नहीं मार पाता। वैसे आज का जो रैंकिंग पॉइंट है, रैंकिंग सिस्टम बोल सके तो 4750 पॉइंट पे आज आपको कॉन्कर मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, पेशेंस रखो, धीरे धीरे रखो, हड़बड़ाहट मत करो। वैसे भाई तो आपके भाई का रैंक चल रहा है स्टेक 3, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर चेक करना। अगर कभी गेम में हूँ तो यार अब क्या ही बोलूँ, माइक ऑल पे कर नहीं सकता बिकॉज बहुत सारे बंदे गालियाँ बोलते हैं। आई डोंट नो वाई बोलते हैं, क्योंकि उनके घर के संस्कार है बिना फालतू। एक होता है कि फालतू किसी को बोलना, किसी ने गाली बोली हो तो आप उसको बोलो अच्छा लगता है, बट किसी को बिना फालतू गाली बोलना भाई वो तो अलग लेवल का काम है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Oh,